कहते हैं ना कि एक वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर वो खुद हो जाता है जिसने कई सारी बीमारियों को ठीक किया हो। लेकिन उन रिलेशनशिप्स में आने के बाद कमिटमेंट इस हाई लेवल की आप कर बैठते हैं ना कि आप अपने आप को ही खो देते हैं। उसके हिसाब से जिएंगे, उसके हिसाब से खाएंगे, उसके हिसाब से पिएंगे। बॉयफ्रेंड के लिए घर में लड़ जाएंगी, माँ बाप की नहीं सुनती हैं, लड़के भी जो होते हैं वो भी लड़की के लिए माँ बाप को कुछ भी बुरा बोल जाते हैं। उन सिचुएशन में कभी भी इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता है। करियर को गड्ढे में धीरे 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 ले जाके वो डाल रहा होता है। मनुष्य से बड़ा ताकत किसी के पास नहीं है, उसके दिमाग से खतरनाक कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी लगाम किसी और के हाथ में दे रखी है तो आपकी ताकत की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी ऊर्जा की कोई वैल्यू नहीं है। एक आज छोटी सी बात हम आप लोगों से आज शेयर करना चाहेंगे। आज एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आप हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे समझ लेते हो, कैसे जान लेते हो कि असल में हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो अक्सर रीज़न मैं बताता हूँ क्यों है। मैं सुबह से लेकर शाम तक कई सारे बच्चों से मिलता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं जा रहा होता हूँ और जब मैं आता हूँ ना, तो आते आते हॉल से निकलते निकलते गाड़ी तक आते आते इतने बच्चे पीछे 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 तक आते रहते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद तक भी मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ। तो कई सारे केसेस मेरे सामने आते हैं। कहते हैं ना कि एक वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर वो खुद हो जाता है जिसने कई सारी बीमारियों को ठीक किया हो। तो हाँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बस इतना ज़रूर है कि आप लोगों का डॉक्टर बड़ा हूँ। रोज़ मेरे सामने कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, कई सारे सिचुएशन आते हैं, बच्चों को सुनना, उनको सही सजेशन देना और इस तरीके से। तो एक छोटा सा केस आज मेरे सामने आया था और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों का वैसा केस हो। तो एक छोटी सी बात, मैं मतलब केस क्या था वो भी हम बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप लोगों का जो ये एज है, इस एज में आपके कई सारे दोस्त बनते हैं, ठीक है, महिला मित्र कह लीजिए, बॉयफ्रेंड कह लीजिए, ठीक है, गर्लफ्रेंड कह लीजिए, जो भी है आप बनाते हैं, आप रिलेशनशिप्स में भी आते हैं। लेकिन उन रिलेशनशिप्स में आने के बाद कमिटमेंट इस हाई लेवल की आप कर बैठते हैं ना कि आप अपने आप को ही खो देते हैं। आपका अपना जीवन आपका अपना रहता ही नहीं है और आप अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथों में दे देते हैं। सामने वाला जिस तरीके से आपके जीवन के चक्रव्यूह को चला रहा है, आप उसी तरीके से अपने जीवन के चक्रव्यूह को चलाते हैं। उसके हिसाब से जिएंगे, उसके हिसाब से खाएंगे, उसके हिसाब से पिएंगे और सारा कहानी आपका ऐसे चल रहा होता है। नुकसान वहाँ नहीं है, नुकसान आगे चलकर है। और सिर्फ यहाँ पर मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, दोस्त भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने भाई के बारे में ही बात करूँ, अगर तो एक वक्त ऐसा था कि भाई का मेरे दोस्तों से इतना ज़्यादा मोह हो गया था कि उसके दोस्त जो बोलते थे वहीं सही होता था। हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है कि कभी कोई मान लो बहुत बेस्ट फ्रेंड बन गया, या कोई जैसे मानो कि अक्सर ऐसा होता है लड़कियों के केस में भी, देखो बॉयफ्रेंड के लिए घर में लड़ जाएंगी, माँ बाप की नहीं सुनती हैं, ठीक है, भाई की नहीं सुनेंगे, या फिर हम भी जो जनरली होते हैं, लड़के भी जो होते हैं वो भी लड़की के लिए माँ बाप को कुछ भी बुरा बोल जाते हैं। तो असल में क्या होता है ना, वो अपने बस में नहीं होते हैं। उन सिचुएशन में कभी भी इंसान सही डिसीज़न नहीं ले पाता है, और सही डिसीज़न नहीं लेता है ना तो वो अपने करियर को गड्ढे में धीरे 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 ले जाके वो डाल रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, घोड़ा। ठीक है, अगर आप बात करोगे घोड़े में और इंसान में, तो घोड़े के पास बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, अथाह ताकत है, भागने से लेके मसल से लेके पावर से लेकर। आप अगर इंजन की भी बात करोगे गाड़ियों में, तो गाड़ी के इंजन को भी हॉर्स पावर में नापा जाता है, फलाना एचपी इतना हॉर्स पावर है, इतना हॉर्स पावर इसका इंजन है। लेकिन सोचो उतने ताकतवर घोड़े को भी पूरे कंट्रोल में लाया जा सकता है सिर्फ एक छोटे से नाथ से, एक छोटे से रस्सी से। वो लगाम जो है ना घोड़ा, ठीक है, अगर वो लगाम आपके हाथ में है यहाँ पर, तो पूरा का पूरा घोड़ा आपके कंट्रोल में है। सोच, तो इतना ताकतवर घोड़ा भी आपके कंट्रोल में आ जाता है एक छोटी सी लगाम से। सेम आपका जीवन है। मनुष्य से बड़ा ताकत किसी के पास नहीं है, उसके दिमाग से खतरनाक कुछ भी नहीं है। जो आपका ये ब्रेन है ना, सबसे खतरनाक चीज़ है। लेकिन अगर आपने अपनी लगाम किसी और के हाथ में दे रखी है, तो आपकी ताकत की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी ऊर्जा की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, फिर आपका जीवन उसी हिसाब से जाएगा जिस हिसाब से जो लगाम पकड़े हुए हैं वो जिस हिसाब से आपको चलाएगा, आप वैसे ही जाओगे। तो इसलिए मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा कि अपने जीवन का लगाम अपने पास रखें, ठीक है, किसी और के हाथों में ना सौंपें। अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपना विवेक खुद के पास रखें, खुद के हिसाब से सोचें। यकीन मानिए, जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है, बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपने अपना लगाम किसी और के हाथों में दे दिया ना, तो सर फिर आप डिसाइड करिए कि आपका भविष्य कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है।